एग्जाम्पल नंबर टू फाइंड एलसीएम, इधर फैक्टराइजेशन कोई नहीं चलने, इधर फैक्टराइजेशन कोई नहीं चलने। अब एलसीएम फाइंड करने का कह दिया भाई, हम तो इसकी फैक्टराइजेशन कर नहीं सकते। हाँ हमें ये पता पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स, अगर एचसीएफ का तुम डिवीजन से फाइंड कर लेते। हाँ अब हमें ये पता अगर हमारे पास एचसीएफ हो तो हम फॉर्मूले से एलसीएम फाइंड कर सकते। तो पहले बेटा याद रखे, अब आपको एचसीएफ चाहिए एलसीएम फाइंड करने के लिए। अगर एचसीएफ नहीं होगा एलसीएम फाइंड नहीं कर सकते। तो जब आपकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है ना, तो पहले एचसीएफ फाइंड करें बाय डिवीजन, फिर फॉर्मूला यूज करके एलसीएम फाइंड करें। अब मैं तरीका बता रहा हूं, उसको गौर से सुन ले। दोनों की डिग्री सेम है, पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स मेरे लिखवा रहे दोनों। एग्जाम्पल बहुत ही मजे की एग्जाम्पल है ये, और लिखवाए जी। एग्जाम्पल नंबर क्या है? हमें उन्होंने यह कह दिया कि आप आपका फाइंड करें एलसीएम। अब अल्लाह वालू एलसीएम तो हमें फाइंड करना डिवीजन से फार्मूले के जरिए से आता है, तो एचसीएफ के बगैर काम नहीं चल सकता। हमें यह फार्मूला पता कि एल मल्टीप्लाई एच बराबर होता है पी ऑफ एच मल्टीप्लाई, ये फार्मूला। मैं अब इस फार्मूले से मैं एल तक फाइंड कर पाऊंगा, एच से डिवाइड करिए, मेरे पास एच होगा तो मेरे पास एच भी कोई नहीं, पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स है हमारे पास दोनों है ना। तो मैं पहले बेटा एच निकालना पड़ेगा बाय डिवीजन, समझ रहे हो या नहीं? क्लियर हो गया? अब जिसको चाहते हो अंदर रख लो, जिसको चाहते हो बाहर रख लो। मैं पी ऑफ एक्स को अंदर रखूंगा, लिखो है सिक्स एक्स क्यू माइनस सेवन एक्स माइनस 27 क्यू एक्स बाहर रखेंगे, सिक्स एक्स क्यू प्लस 17x स्क्वायर प्लस 9x बेटा जिसको ऊपर रखे उस पर डिवाइड करें, दोनों के कोफिशिएंट सेम मत मिल जाता, किसी चीज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत प्लस 1 यही सारा नीचे आएगा, सिक्स एक्स क्यू स्क्वायर है तो प्लस 17x स्क्वायर 9x है और माइनस 4, साइन चेंज करें ये से गया कट, 17 भी माइनस है और 7 भी माइनस है, आंसर आ जाएगा माइनस 34x का स्क्वायर, ये भी दोनों माइनस आंसर आ जाएगा 30x। बेटा जी एक मिनट, स्क्वायर नहीं है मेरे से, इसके गलती से लगा हुआ। अच्छा जी आप क्या कह रही हूँ, दोनों के साइन माइनस है ना, दोनों के साइन माइनस है, ये साइन नहीं है इसका, ये साइन है। अब ये प्लस 4 वो प्लस 8, आंसर प्लस में आएगा 12, क्लियर है? अब इसकी डिग्री कितनी है, उसकी क्या है? एक चीज आपको और समझनी चाहिए, माइनस 24 भी कॉमन आ रहा है या माइनस 12 कॉमन आ रहा है, 24 पे इसको डिवाइड 1/2 आ जाएगा, ये सारे 12 पे डिवाइड, छोटा 12 है ना, फैक्टर्स बनाए सबके तो 12 इंशाल्लाह एचसीएफ आएगा उससे कॉमन, लेकिन माइनस 12 ले लोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस 24 एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स प्लस 12 कैन बी फैक्टराइज्ड एस, क्या आएगा? माइनस 24 एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स प्लस 12, मैंने कॉमन लेना माइनस 12 ताकि पहले वाला पॉजिटिव हो जाए, 12 पे डिवाइड करूंगा माइनस 12 पे डिवाइड करूंगा, जो कॉमन लिया उसी पे डिवाइड करूंगा, आंसर आ जाएगा 2x का स्क्वायर पॉजिटिव में, 12 टू द 24 होता है ना, इसको डिवाइड करो 12 पे तो आंसर आ जाएगा प्लस 3, साइन चेंज होगा माइनस की वजह से, x पर यहां पर माइनस 1, साइन चेंज होगा, क्लियर हो गया? बिकॉज क्या, या पहले हम ये लिख देते हैं, वी विल इग्नोर माइनस 12 बिकॉज
माइनस 12 इज नॉट कॉमन टू बोथ पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स. सो वी विल कंसीडर एज ए डिवाइजर किसको 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1. सो वी विल राइट हियर द डिवाइजर इज 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एंड इनसाइड द ये क्या आ गया जी 6x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर माइनस 4. चेक कर लेंगे प्लस 17x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4. ओके बेटा जी आप इसको पकड़े ऊपर लिखें डिवाइड करें 2x स्क्वायर से 2 1 द 2 2 3 द 6 3 आ गया 1x बच जाएगा x आ जाएगा 3x. फ्रैक्शन तो नहीं बनी ना तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं बनती तो फिर हम नंबर से मल्टीप्लाई करते जो बटे में आता 7 आया था ना पीछे तो मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया ना. सो बेटा 3x आ जाएगा यहाँ पे 3x से सारे को मल्टीप्लाई कर लो डिवाइजर पर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस करें मल्टीप्लाई 6x का क्यूब प्लस 9x ना नंबर से नंबर वेरिएबल से वेरिएबल बिल्कुल 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 और माइनस 6 3 टू द 6 भाई अच्छा ये 1 है मेरे से 2 डल गया सॉरी तो बोलो ना सर जी दिस इज 1 फिर सर जी मैं कुछ कर पाऊंगा सर जी मैं कर देता हूँ ये नहीं जी ठीक है दिस इज 3x शाबाश 6x क्यूब बड़े का साइन क्या पॉजिटिव छोटा 9 है ना तो बड़े का साइन आएगा बिल्कुल ठीक कह रहे 8x के पॉजिटिव ठीक है ये भी पॉजिटिव बहुत पॉजिटिव प्लस 12x स्क्वायर गुड भैया लड़ते क्यों हो ये तो मैं भी ठीक कर दूंगा कोई ऐसा काम हो ठीक ना हो सकता तो तब हम बेटा करो ठीक है जी पक्का अब इसको ऊपर रख के उस पर डिवाइड कर लें प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 से सर यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 ठीक है 8x स्क्वायर ये तो वही आ गया अब बताइए इसमें कुछ कॉमन था हमने तो पहले ले लिया था सो देयरफॉर आपके हैंस ओहो बस ये सब बहुत खुश हो रहे हैं एच सी एफ इज इक्वल टू जीरो मास अब देखिए जब भी डिवाइजर ऐसी है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 माइनस 1 ये आपके ऐसी अब आ गया बेटा अब देखिए आपके पास एसीएफ भी है और आपके पास पी ऑफ एक्स भी है क्यू ऑफ एक्स भी है आपने एल फाइंड करना नहीं समझे आपने क्या फाइंड करना अब आप तीन चीजें हैं आप शुरू हो जाए जरा अब आपके विकास एलसीएम मल्टीप्लाई एच सी एफ बराबर होता है किसके ये भी आ गया ना हमारे पास एल बराबर आ जाएगा पी ऑफ एक्स अभी बेटा जान नहीं छोड़ी सबर करें पी ऑफ एक्स लिखवाए जरा मुझे जल्दी से पी ऑफ एक्स
2x square plus 3x minus 1. एचसीएफ की वैल्यू डाल दी हम साहब, पीएफएफ की वैल्यू नहीं आई अभी तक. 6x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस, बोलो ना, ये पी ऑफ एक्स की वैल्यू है. मैंने शुरू में डाली हुई है भाई, ये डाली हुई है, ये लिखी हुई है मैंने पी ऑफ एक्स की, आपकी बुक पे दी है. अब क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू डालेंगे, प्लस शुक्र आवाज नहीं मुझे. अच्छा यहाँ किसी को प्रॉब्लम है, ये सिक्स है, इसको तेरी तरह सर्दी लगी है, ये बिल्कुल कुंगड़ा होगा, ये इसकी सेहत खराब होगी. आगे चले बेटा जी, बात गौर से सुने, बात सुनने भाजी, बात सुनने मेरी, आपने करना क्या है फिर बात गौर से सुनना, बात गौर से सुनना. चाहे इसको पकड़ो अंदर रखो और इसपे डिवाइड कर लो, बात सुन लो मेरी, ये नहीं सुन रहे, इसको पकड़ो अंदर रखो और इस पे डिवाइड कर लो, इसको पकड़ो अंदर रखो इस पे डिवाइड कर लो, ये आपकी मर्जी है. किसी एक को पकड़ के अंदर रखो, फुल डिवीजन करो, आप डिवाइड होगा. अगर आप मुझे ये कहते हैं ना इसको पकड़ ले, चलो मैं इसको पकड़ लेता हूं, देखिए मैं डिवीजन कर चुका हूं, क्वेश्चन क्या है वही है, आंसर ये है. मैं इसको लिख सकता हूं क्या बाय रिमाइंडर थ्योरम, सॉरी बाय फैक्टर थ्योरम या बाय डिवीजन एल्गोरिथम. 6x का क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4 बराबर होगा दिस मल्टीप्लाई दिस प्लस रिमाइंडर. याद आया, याद आया, नहीं समझे ना, आपको ये पता है कि 6x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4 इज क्या जी, बाय डिवीजन एल्गोरिथम किसके बराबर है, 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 या 2x प्लस 4 है मेरे ख्याल, 3x प्लस 4 है, यही है ना, और प्लस रिमाइंडर 0 है. ये डाल सकते हैं इसकी जगह पे, ये डाल सकता हूँ ना, जब आप डिवाइड इससे करेंगे माइनस 1 से ये कट जाएगा आंसर. ये तो आपने डिवीजन करनी है बेटा, इस तरह मैं आपको समझा दे रहा था, आपने डिवीजन करनी है और आंसर में क्या करना है ये लिख देना, कैसे आपने यहां ये काटना है, ये इससे कटेगा और आंसर आ जाएगा 3x प्लस 4 हेंस. समझ आया, नहीं तो फिर मैं यहां पे आपको डिवीजन करके देता हूं. चले मैंने वो डिवीजन तो की हुई है ना, तो मैं दूसरे को अंदर रख के उस पर डिवाइड करके आपको आंसर निकाल लूंगा. समझे नहीं समझे, आपको वैसे डिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप थोड़ा अक्लमंदी का गुजारा करेंगे ना. ये आपका एचसीएफ है और ये पूरा क्यू ऑफ एक्स अंदर है, तो इसको काटे तो ये डाल दे उसकी जगह पे, इधर ही आपका आंसर आ जाएगा. अगर नहीं तो आपने इसको अंदर रखना है, तो फिर आप क्या करें देखें, डाले 6x का क्यूब इसको ऊपर रख के उस पर डिवाइड करें 6x क्यूब डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर आंसर इज 3x. आ गया पक्का, मल्टीप्लाई करें उससे क्या आएगा, अब फिर कहेंगे मल्टीप्लाई नहीं करके दिया, ये ले सॉरी 3x मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 द रिजल्ट इज 6x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर. माइनस कितना आ जाएगा, आगे ना ना प्लस माइनस आ जाएगा बेटा जी, इसके ऊपर रखो माइनस 16x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर पर डिवाइड कर लो, आंसर कितना आ जाएगा, सॉरी टू भी था, टू भी और बाई टू भी था, और बाई टू भी तो अब जब मल्टीप्लाई करेंगे ना इसको इससे, तो आंसर यही आएगा
अंजना फिर क्या कहते ना देखे ना मतलब मल्टीप्लाई करवा के छोड़ोगे मेरे से माइनस 12 रखो कितना आ जाएगा 16 24 एक्स साइन चेंज कर आप बेटा जी बात सुन लेना आपने क्या किया गौर से सुने शॉर्ट में बता रहा हूँ टाइम बचाने का गौर से सुन ले मैं इसको हटा रहा हूँ अभी अब दो तरीके थे आपके पास एक ये कि आपने चूज किसको किया इसको और इसको काटेंगे तो ऊपर क्या आएगा 3x-8 यहाँ आएगा 3x तो डिवीजन करनी पड़ेगी आपको आपका एल जो बराबर आ जाएगा 3x-8 मल्टीप्लाई 6x³ + 17x² अगर आप थोड़ा सा अकलमंदी का मुजाहरा करें ना तो आपको पता लास्ट स्टेप पे ये अंदर है ये -4 वाला चेक करें ये अंदर और ये कौन है ये है ना आपने फिर डिवीजन की है यहाँ पे चेक कर लो डिवाइजर नहीं चेंज किया समझ आया तो अगर आप अपना टाइम बचाना चाहेंगे देखिए इस पे कितना टाइम लगा डिवीजन पे आप डायरेक्ट क्या करें पीछे जाए देखें अगर बाहर सवाल में ऐसा नहीं हो सकता अब देखें डिवीजन हुई है इसी से इसको डिवाइड किया गया आंसर ये है फिर चुप करके इसको काटें सुनो अगर इसको काटेंगे इससे तो आंसर क्या आ जाएगा 3x + 4 डालें और क्योंकि आपने किसको किससे किसको इससे काटा तो आंसर में क्या आएगा ये पूरी आ जाएगी अब ये आ जाएगा पूरा 6x³ - 7x² - 8 अब ये आप आपकी अकलमंदी अब टाइम बचाएं अब टाइम जाए दोनों का मतलब सेम है दोनों का आंसर मल्टीप्लाई करके चेक करना आंसर सेम आएगा अब ये आपका काम है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो मुझे प्रूफ करके देखे दोनों का आंसर कहता सेम आता अच्छा जी यही काम किया उन्होंने ये देखें क्या आ गया 2x² + 3x - 1 एलसीएम आ चुका है एलसीएम आ चुका है ये वाला निकाल लिया 3x - 8 उन्होंने इसको पकड़ा इस पर डिवाइड किया हालांकि यहां पे अब उन्होंने पता किसको अंदर रखा था उन्होंने यही यूज किया लास्ट वाला उन्होंने क्यू ऑफ एक्स को अंदर रखा था हमने किसको रखा था पी ऑफ एक्स को याद है तो लास्ट पे देखो उन्होंने यही डिवीजन यूज की है और कार्ड के आंसर डाल दिए डिवाइड कर यहां तक किसी को मसला हो क्लियर है एनी कंफ्यूजन मसला नहीं है तो मेरे से फिर आगे समझ लें तो बेटा जी बात गौर से सुनिएगा अब जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.1 है मैं इसकी तरफ तो बाद में चलूंगा एप्लीकेशन देख लें एससीएम और एलसीएम कहता है देयर आर टू नंबर्स क्या समझे सम सम का मतलब पता दोबारा रिकॉल करवाओ सम का मतलब क्या दो नंबर्स थे आपके पास आपने उनको ऐड किया तो जो आंसर आया ये मतलब ए प्लस बी एड के आंसर जो है वो सम है मतलब 2 + 3 करें आंसर 5 ये सम है तो कहता है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 120 ठीक है दो नंबर्स का अगर सम 120 है एंड देयर एचसीएफ इज 12 और उनका एचसीएफ क्या फाइंड द नंबर्स आपने क्या फाइंड करने नंबर्स फाइंड करने आपने क्या फाइंड करने नंबर्स फाइंड करने अब मेरी बात गौर से सुने थोड़ा पीछे ले चलता हूँ आपको अगर मैं एक चीज यहां लिख के दूं ये पीछे मैंने चीजें लिखी थी आपको ये पता है कि आपको जो पी ऑफ एक्स था किसके बराबर था नॉन कॉमन फैक्टर पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच समझ आया नहीं समझे नहीं समझे
किसको समझ आया? मैंने सही लिखा पामुला? क्या गलती है इसमें? ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, भूल गए ना पामुला? नॉन कॉमन पी ऑफ एक्स, ये नॉन कॉमन का फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, ये निकाल दे पी ऑफ एक्स कस पे डिवाइड करो नॉन कॉमन फैक्टर आता था ये फॉर्मूला, और नॉन कॉमन फैक्टर ऑफ क्यू ऑफ एक्स मैंने क्या निकाला था? क्यू ऑफ एक्स को एच पे डिवाइड करोगे तो नॉन कॉमन फैक्टर ऑफ क्यू ऑफ एक्स मिल जाएगा। अब याद आया बेटा जी, क्या मैं किसी नंबर को लिख सकता हूं? अब आप और सुनना, इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि जो पी ऑफ एक्स होगा वो बराबर होगा एच सी एफ मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, समझे? इसी तरह जो क्यू ऑफ एक्स होगा मैं उसको लिख सकता हूं एच सी एफ मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर ऑफ, समझ आ गया? अब इसकी एग्जांपल क्यों देता हूं, मेरे पास और से सुनना। एक बंदे ने मुझे 6 दिया और 27 दिए, मुझे कहा इसका एचसीएफ निकालो। मैंने 6 के फैक्टर बनाए 2 मल्टीप्लाई 3, 27 के फैक्टर बनाए 3 का क्यूब, एचसीएफ क्या आ जाएगा दोनों का? 3 आ जाएगा ना, 3। अब जरा गौर करना, जो आपका नंबर 6 है वो बराबर है किसके? 3 मल्टीप्लाई 2 के। अब 3 का एचसीएफ है, आपका नंबर 27 जो है वो बराबर है 3 मल्टीप्लाई 3 के स्क्वायर के, तो जो आपका 6 था वो एचसीएफ मल्टीप्लाई 2 के बराबर है, और जो आपका 27 था वो एचसीएफ मल्टीप्लाई 9 के बराबर है। ये 2 भी नॉन कॉमन फैक्टर और 9 भी नॉन कॉमन फैक्टर, तो ये तो मैंने लिखा कि कोई भी नंबर आपका आप उसके एचसीएफ और नॉन कॉमन फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? मानते हो नहीं मानते? तो हमें एच सी एफ दोनों नंबर का की बना। अब उन्होंने हमें क्या कह दिया? दो नंबर है, कितने नंबर है? हमें कह दिया दोनों नंबर्स का एच सी एफ 12 है। अगर मैं लिखूं फर्स्ट नंबर तो उसके एच सी एफ के साथ किसको मल्टीप्लाई करूंगा? उसके नॉन कॉमन फैक्टर को। तो मैं फर्स्ट कर लूंगा, लेट अस सपोज दैट द नॉन कॉमन फैक्टर ऑफ फर्स्ट नंबर इज एक्स एंड सेकंड नंबर का नॉन कॉमन फैक्टर का ले लेंगे हम लोग, हाँ जी मल्टीप्लाई हुआ है, अब हमारे नंबर बन जाएंगे एच सी एफ जी, अभी 12 आ गया, 4 नंबर आ गया, नंबर पूरा बन गया ना 12 मल्टीप्लाई हुआ है। ये बेटा देखिए आपके बुक पे जो उन्होंने किया, एच सी एफ 12 था तो का फर्स्ट नंबर इज 12 एंड सेकंड नंबर इज 12, और एक्स वाई क्या है? नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं, दे आर प्राइम टू ईच अदर। नॉन कॉमन फैक्टर्स को रिलेटिव प्राइम्स भी कहते हैं, इन दोनों का जीसीडी क्या होगा चेक करें। अभी जो नॉन कॉमन फैक्टर्स आए हैं 6 और 27 के, 2 और 9 के जीसीडी क्या? 1। दोनों रिलेटिव प्राइम्स हैं, दोनों नॉन कॉमन है ना, दोनों नॉन कॉमन है ना, तो इनको कहते हैं प्राइम्स टू ईच अदर, प्राइम्स टू या रिलेटिव प्राइम एक दूसरे के लिहाज से। प्रॉब्लम इस पर जरा थोड़ा सा सोचिए, समझ आया सबको? क्लियर हुआ? अब मैं अपना सवाल शुरू करूं, मैं अपना सवाल शुरू करूं, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? सुबड़ा अभी आपने एग्जाम्पल को सॉल्व करते हुए दो कंडीशंस आपको गिवन है, आपने सॉल्यूशन लिख लिया लेट नॉन कॉमन फैक्टर ऑफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, नॉन कॉमन फैक्टर ऑफ सेकंड नंबर इज इक्वल टू वाई। अब लिखे नंबर, समझ आ नहीं यार, समझ आ नहीं यार? सो फर्स्ट नंबर विल बी इक्वल टू एच सी एफ मल्टीप्लाई एक्स, एच सी एफ 12 साथ एक्स आ जाएगा, सेकंड नंबर विल बी, यहां से आप लिखते हैं सच दैट कि जो जीसीडी ऑफ एक्स और वाई है वो क्या है? 1 है, नॉन कॉमन जो रिलेटिव प्राइम एक दूसरे के लिहाज से, समझे? इसका मतलब ये है नॉन कॉमन होने का, दोनों का जीसीडी क्या? 1 है।
So similarly, the second number will be HCF times Y, and the HCF is 12, so you will have the number 12Y. Problem is, no use the condition according to first, according to the condition or question. Condition क्या थी? Condition क्या थी? कि दो नंबर का उनका सम कितना है? 120. First number plus second number is equal to 120. यही था. First number का आया 12x आया. Second number का आया 12y आया. Answer क्या? 120. बेटा दोनों साइडों को 12 से divide कर दूँ. Problem है किसी? Dividing both sides with 12 आगे कर लेना. ठीक है. 12 कट गया. यहाँ आ गया आंसर 10. So x plus y is equal to. बेटा आपके पास एक ही क्वेश्चन बननी है यहाँ पे. ठीक है. समझ आया नहीं यार? और नंबर्स भी क्या होने चाहिए आपके? क्या होने चाहिए? पॉजिटिव. एचसीएफ नेगेटिव तो नहीं लिए. देखें आपके जो क्वेश्चन था वो ये था कि आपके पास दो नंबर्स हैं. पढ़े था द सम ऑफ टू नंबर्स इज 120 एंड द एचसीएफ इज 12. फाइंड द नंबर्स. तो बेटा अब हमने क्या लिखने हैं? हमने वो सारे पॉसिबल नंबर लिखने हैं जिनका जिनका हमारे पास जो जैसे कहते हैं कि सम 10 आ रहा है. वो सारे नेचुरल नंबर, वो सारे नेचुरल नंबर जिनका जो सम हमारे पास कितना आ रहा है? 10 आ रहा है. हमने उन्हें यहां पर राइट डाउन करना. बात समझे नहीं समझे? सो वी रिक्वायर ऑल पॉसिबल नंबर्स, ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ नंबर्स हूज सम इज 10. ठीक है, गौर से सुनते जाए. इक्वेशन क्या थी? x प्लस वाई इक्वल टू 10. कैसे निकाल ले बेटा? इस इक्वेशन से अगर आप y की वैल्यू निकालना चाहें टर्म्स ऑफ x, तो क्या आ जाएगी? 10 माइनस x. इधर x आप सपोज करेंगे, y आप कैलकुलेट कर लेंगे. अगर x 1 हो तो y क्या होगा? y क्या होगा? x जब 1 पुट करो ना तो 10 माइनस 1 9. सम 10 आएगा नहीं आएगा? 2 हो तो 8, 3 हो तो 7. समझ रहे हो? 4 हो तो 6. क्लियर हुआ? आगे 6 हो तो वही रिपीट होना शुरू हो गए. समझ आया नहीं? मैं सारे लिखता हूं 6 7 8 9. मैं 10 क्यों नहीं कर सकता? 10 क्यों नहीं कर सकता? अगर आपका नंबर x 10 हो गया तो y क्या हो जाएगा? 0. तो बेटा आपका जो HCF है वो 12 नहीं रहेगा. नहीं समझे? बात समझ आई नहीं आई? आपका जो h समझ आया? ये हमने 0 कंसीडर नहीं करना. अगर आपने x को 0 ले लिया तो आपका फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. हम नहीं लेना इसे. हम ना y को 0 ले सकते हैं ना x को 0 ले सकते हैं, वरना हमारे नंबर भी 0 हो जाएंगे. तो हमने 1 से शुरू करना और 9 तक जाना है. ठीक है, समझे नहीं समझे? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सो ये ओ बेटा एक मिनट सब्र कर, एक मिनट सब्र, ये खत्म हो गया, हम ये नहीं लेंगे. ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 3 2 1. अच्छा बेटा देखें, 19 आ चुका है, 91 भी आ चुका है. ये रिपीट होगा ना? तो हम एक ले लेते हैं, पहले वाला पकड़ लेते हैं. अब x को 1 कर लो, 9 कर लो, बात एक ही है ना? समझ आया? तो ये आपके पेयर्स, आपका पेयर्स बनाए इधर x कॉमा वाई, ऑल पॉसिबल पेयर्स जो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. तो क्या है जी? पहला 1,9 है, x की वैल्यू 1, फिर 2,8 है, फिर 3,7 है, फिर 4,6 है, फिर अब सारे रिपीट हो गए. ठीक है, ये पहले आ जाएगा 6,4, फिर 7,3, फिर 9,1. ये सारे पॉसिबल नंबर. इन पे कंडीशन क्या थी? ये एक्स और वाई की वैल्यूज है. किसकी वैल्यूज है? वो जो आपके नॉन कॉमन फैक्टर्स थे ना, जिनका जीसीडी क्या था? पहली बात, उन दोनों का सम कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए. एक्स और वाई हमने कंडीशन लगाई है कि इन दोनों, ये दोनों नॉन कॉमन है. ये देखो हमने पहले शुरू में जो मेंशन किया, अब ये हमें हमारा सॉल्यूशन निकालने में हेल्प करेगा कि एक्स और वाई दोनों नॉन कॉमन फैक्टर है. इसका मतलब इन दोनों का जीसीडी क्या है? तो पहली कंडीशन ये है कि इनके जीसीडी 1 होना चाहिए.
दूसरी कंडीशन ये है कि सम कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, हमने वो सारे पॉसिबल नेचुरल नंबर लिख दिए, वो सारे पॉसिबल पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर लिख दिए जिनका सम कितना आता है, 10 आता है। दूसरी कंडीशन अप्लाई करो कि इनमें से कौन से पेयर्स ऑफ नंबर है जिनके जीसीडी 1 आ रहा है, बोले किन किन के जीसीडी 1 आ रहा है बताए, 1 और 9 जीसीडी 1 है ना, 2 और 8 का जीसीडी 2 है, ये नहीं आ सकता, यहां पे जीसीडी क्या 2 है, सुन रहे हो, 2 नहीं लेंगे, जीसीडी 1 है ले लेंगे, जीसीडी 2 है नहीं लेंगे, 5 है जीसीडी 5 है, दोनों 5 पे डिवाइड होते हैं, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, जीसीडी 2 है, 7 और 3 ये हमने ले लिया पहले, नहीं लेंगे, ले लेंगे, तो 2 पॉसिबल पेयर है जिनका जीसीडी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, हमें ये चाहिए। ये सवाल आप तो मुझे ये है ना कि आप एग्जाम्पल को देखकर पहला नंबर 2x और दूसरा नंबर ये 12x दूसरा नंबर 12y, नहीं, क्यों 12y, नॉन कॉमन फैक्टर्स नहीं है एक्स और वाई, उनको जीसीडी 1 है, ये कंडीशन जब तक आपको समझ नहीं आएगी सवाल समझ नहीं आएगा। तो पहली चीज बेटा हमने पहली इक्वेशन से क्या निकाला, वो सारे पॉसिबल नंबर निकाले जिनका सम 10 आ रहा है, और हमें पता है कि एक्स और वाई पे का रिस्ट्रिक्शन है कि दोनों का जीसीडी 1 होना चाहिए, हमने उन जो वैल्यूज हमारे पास आ रही थी जिनका सम 10 था, हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई कि जीसीडी 1 किन किन पेयर्स का आ रहा है, तो पहला पेयर आया और दूसरा पेयर आया, समझ आया, ये चेक कर लें आपकी बुक पे, उन्होंने ये देखे सारे पॉसिबल पेयर्स देखे, थस वी हैव टू फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 10, उन्होंने ये लिख दिए द पेयर्स ऑफ नंबर्स व्हिच आर प्राइम टू ईच अदर आर 1 और 9, आगे थस लो जी सॉल्यूशन आ गया, समझे नहीं समझे, हमने सारे पेयर लिखे, अब आप यहां पे लिखेंगे द पेयर्स ऑफ नंबर्स, अब 2 बातें पूरी हो जाएंगी, थस पहली बात क्या थी x प्लस वाई कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, दूसरी बात ये थी कि जीसीडी ऑफ x एंड y कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ये बात हमने टेबल से पूरी की और ये फिर रिस्ट्रिक्शन लगाई पेयर चूज कर लिया, थस नंबर्स विद जीसीडी पेयर ऑफ नंबर्स, पेयर ऑफ नंबर्स विद जीसीडी 1 एंड सम 10 आर गिवन अस, वो ये है 9.1 सुन रहे हो एंड 3.7, हेंस जो पहला नंबर होगा, हेंस फर्स्ट नंबर, हेंस ये लिख रहा हूं फॉर, अगर आपका एक्स 9 हो और वाई 1 हो, एक्स का मैं वाई ना ये कर दे फॉर 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 एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 9.1, मतलब एक्स कितना होगा 9 होगा, वाई का होगा 1 होगा, ठीक है, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 12 एक्स, दैट इज 12 टाइम्स 9 कितना आ गया, दूसरा नंबर सेकंड नंबर इज 12 वाई, 12 टाइम्स 1 इज 12, ऐड कर 120 आता बच्चे, नहीं आता, आता नंबर चूज कर लिए, अब कहें फॉर दूसरा पेयर क्या आता, एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 3.7 एक्स 3 वाई 7, सो बेटा जो फर्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा 12 लिखा हुआ ना शुरू में, ये मैंने पहले सपोज किया था फर्स्ट नंबर इज दिस, यहां से चूज कर रहा हूं फर्स्ट नंबर इज दिस, सेकंड नंबर इज दिस, ये मैंने पहली कंडीशन लिखी थी, याद आया नॉन कॉमन फैक्टर्स थे एचसीएफ से निकाला, सो दैट इज 12x, सो 12 टाइम्स x इज 3, सुन रहे हो ना, बोलते नहीं हो, आंसर आ गया 36 एंड द सेकंड नंबर इज इक्वल टू 12y, प्रॉब्लम किसी को, सो 12 टाइम्स 7 इज 84, ऐड कर लेगी 120 आएगा, तो नंबर बेटा आपने निकाल दिए, ये ले पकड़े एग्जांपल आपकी सॉल्व हो चुकी, उन्होंने सारे नंबर आपको लिख दिए, पहला नंबर ये है दूसरा नंबर ये, 12.10 आता 36 और 84 आया, हमने उस तरह प्रॉपर वे में लिख दिया, प्रॉब्लम किसी को, आ जाए जरा यहां पर छठा सवाल जी कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, के की किस कीमत के लिए एक्स प्लस 4 इज द एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब फैक्टर ही है ना, याद नहीं आया आपको, कौन सा सवाल दे दिया उन्होंने, इधर देखें
ये देख, इफ एक्स प्लस टू इज फैक्टर, रिमाइंडर क्या था, जीरो, के फाइंड करना था, समझे। अब आप एस सी एफ को डालकर फैक्टर समझ लें तो क्या यही सवाल नहीं है, अभी भी समझ नहीं है, आ गई है। चलो ये सवाल आपका आ गया, k की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉरवर्ड वैल्यू k का मतलब है k फाइंड करना है, x प्लस इज एक्स एफ मतलब ये फैक्टर है, ठीक है, इसका और इसका, इन दोनों का, समझे नहीं समझे, अगर ये इसका फैक्टर है आप इसको p ऑफ x कहें, इसको q ऑफ x कहें, समझे नहीं समझे, रिमाइंडर उत्तर इस पे भी जीरो आने वाला है, इस पे भी जीरो आने वाला है, इन दोनों का फैक्टर कब होगा, आप k की वैल्यू फाइंड कर लें। क्वेश्चन लिखा है मुझे छठा, ले जी k इज इक्वल टू ओ भाई x प्लस फोर जो है वो k नहीं है, वो आपका d ऑफ x है, फैक्टर कहना उसे, x प्लस फोर को आपने साबित करना है कि वो किस वैल्यू के लिए फैक्टर होगा, x प्लस को कहते हैं फैक्टर है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, p ऑफ x लिखो पहले वाला, q ऑफ x लिखो 2x का स्क्वायर प्लस kx माइनस 12, ठीक है जी, समझ आ गया, पर हमें ये गिवन है, हमें ये गिवन है कि ये इसका फैक्टर है, हमें ये गिवन है कि जो p ऑफ माइनस 4 है समझियो वो भी जीरो है, और जो q ऑफ माइनस 4 है वो भी क्या है, तभी तो एचसीएफ होगा ना, तभी तो दोनों का फैक्टर होगा बाय फैक्टर थ्योरम, याद आया नहीं आया, फैक्टर क्या लिया ना बेटा, सवाल समझ आ गया, हमें के फाइंड करना है, ले जी मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, व्हेन सॉल्यूशन, व्हेन पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड, याद है कल वाली बात, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस फोर, देन बाय रिमाइंडर थ्योरम, आर किसके बराबर आ जाएगा, पी ऑफ माइनस फोर के, बिकॉज हमें ये कह दिया गया कि रिमाइंडर क्या है, और पी आर माइनस फोर क्या है, जीरो, या इसको ये कह दे, आप कह रहे हैं ये आर वन है, आपका आर वन ये होगा और आर टू, दोनों ही जीरो कह दिए उन्होंने, तो हमारा जो आर वन है वो हमें गिवन है कि ये फैक्टर है इसका, तो आर वन इज इक्वल टू जीरो, सो इंसर्ट हियर जीरो, पुट माइनस फोर इन प्लेस ऑफ एक्स इन पी ऑफ एक्स, सो क्या आ जाएगा, माइनस फोर का स्क्वायर मानते हो, आगे क्या है, प्लस माइनस फोर ब्रैकेट के अंदर, फिर माइनस है माइनस टू के प्लस टू, ठीक है बेटा, जीरो वैसे ही 16 आ गया, माइनस फोर आ गया, माइनस टू के आ गया, माइनस टू आ गया, समझे हो, माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स प्लस 16 आंसर आ गया प्लस 10, समझे, माइनस टू के इज इक्वल टू जीरो, टू के को उठा के ले आओ, पॉजिटिव टू के इज इक्वल टू 10, प्रॉब्लम दीजिए को दोनों साइडों को टू पे डिवाइड कर दो, टू से टू कैंसिल, फाइव के इज इक्वल टू फाइव, बस जी यही आंसर निकालना था, यू कैन चेक, एक ही से आकर दूसरे से निकालने की जरूरत कोई नहीं, आप दूसरे से निकालना चाहते दूसरे से निकाल लो, मुझे तो के फाइंड करना था, अब ये दोनों के ही है ना, बस आप q ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, q ऑफ माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो पुट करके वहां से भी निकाल सकते, चलो मैं वहां से भी निकाल के देता हूँ, क्या आएगा जी, मैं वो लिख देना q ऑफ x डिवाइडेड बाय प्लस फोर, तो q ऑफ माइनस फोर भी आपका r2 है, ये भी जीरो है, लिखवाएं जरा क्या था, माइनस फोर का स्क्वायर बोले ना यार, माइनस टू टाइम माइनस फोर का स्क्वायर प्लस के एक्स, यही है ना, के टाइम माइनस फोर और माइनस ट्वेल्व, सुन रहे हैं, अच्छा ये कितना आ गया, माइनस फोर का स्क्वायर 16 टू द 32 प्लस में आ गया माइनस फोर के आ गया माइनस 12 आ गया माइनस, देखे 32 में से 12 गया बेटा, आंसर कितना आ गया 20, ये आ गया पॉजिटिव 20, 4 के को इधर लेगा मैं दोनों साइडों का 4 से डिवाइड कर ले आंसर, फिर कितना आ गया, यकीन नहीं आ रहा मेरे ख्याल में आपको,
आ गया सदगुरु, बेटा ये मैं ही कर रहा हूं, अभी इसका फायदा आपको तब होगा जब आप खुद ऐसे करेंगे। आपको फायदा तब भी होना है, लेकिन खाना मैं खाऊंगा तो एनर्जी मुझे मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी, रियलिटी यही है। समझ आ रही है? इसलिए कहते हैं ना, खाने पीने में और पढ़ने में कोई दोष नहीं होता। अगर आपका दोस्त प्रैक्टिस कर रहा हूं, कहते हैं हाँ हाँ मैं नहीं, दोस्त का फायदा दोस्त को, आपका फायदा आपको है। क्यामत के दिन आमाल का हिसाब आपके अमल पे होगा, दोस्त के अमल पे नहीं होगा।